गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल तथा व्यापक हल के विषय में बताएंगे। तो इसके पहले आज जानिए सर्वप्रथम कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है। वह समीकरण जो जिसमें त्रिकोणमितीय फलन उपस्थित हो, अर्थात त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित समीकरण को ही त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। अब कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण हो तो उसके दो प्रकार के हल होते हैं, एक मुख्य हल होता है तथा दूसरा व्यापक हल। तो मुख्य हल जो होता है, हल करने पर जो थीटा का मान आता है वो 0 से 2π के मध्य रहता है, इसे त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल कहते हैं। तथा जो व्यापक हल होता है, हल करने पर वो थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होता है। तो व्यापक हल में जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का व्यापक हल, इसको हल करने पर जो व्यापक हल निकलता है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए, इसका जो सूत्र बना गया है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा, ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का व्यापक हल का सूत्र है। इसको हल करने पर जो थीटा का व्यापक मान निकलता है वो ये थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा। ठीक इसी प्रकार से कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा का व्यापक हल, इसका जो फार्मूला आता है हल करने पर थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये कास थीटा बराबर कास अल्फा का व्यापक हल, हल करने पर थीटा का जो व्यापक हल निकलता है वो ये है। तीसरा टैन थीटा बराबर टैन अल्फा का, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा का व्यापक हल, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये टैन थीटा बराबर टैन अल्फा के लिए है। तो तीन प्रकार के त्रिकोणमितीय फलनों के लिए व्यापक हल का फार्मूला बनाया गया है। इसी की सहायता से जैसे कासेक थीटा बराबर कासेक अल्फा हो तो कासेक थीटा को हम साइन थीटा में चेंज करके और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का फार्मूला लगा देंगे, और यदि सेक थीटा बराबर सेक अल्फा है तो सेक थीटा को कास थीटा में चेंज करके हम कास थीटा बराबर कास अल्फा का व्यापक हल का फार्मूला लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से कार्ट थीटा बराबर कार्ट अल्फा है तो कार्ट थीटा को टैन थीटा में चेंज करके टैन थीटा बराबर टैन अल्फा का व्यापक हल का ये फार्मूला लगा देंगे, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन हैं, तो 6 में से 3 के लिए फार्मूला बनाया गया है। नहीं, 3 त्रिकोणमितीय फलनों की सहायता से अन्य त्रिकोण 3 त्रिकोणमितीय फलनों का भी व्यापक हल हम ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए यह 3 फार्मूला आप याद कर लीजिए। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का व्यापक हल, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा, कास थीटा बराबर कास अल्फा का व्यापक हल, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और टैन थीटा इक्वल टू एन अल्फा का व्यापक हल, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। इसके पश्चात अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है और कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा और टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर अल्फा है, तो इसके लिए भी अलग से फार्मूला बताया गया है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस त्रिकोणमितीय समीकरण में आपको वर्गमूल नहीं लेना है। यदि आप वर्गमूल लेते हैं तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा लगेगा, लेकिन आपको वर्गमूल नहीं लेना है, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया गया है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यदि इस प्रकार का त्रिकोणमितीय समीकरण कोई है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसके लिए जो व्यापक हल होगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक इसी प्रकार से कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा तथा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा,
अब आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर एल्फा और टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर एल्फा का जो व्यापक हल है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा है। तो इस प्रकार से इन तीनों के लिए एक ही फार्मूला है वर्ग में, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, इन सबको याद कर लीजिए। अब इसके बाद अब आप आइए एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री है, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, ये क्वेश्चन है आपका टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री। यह एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है तो इसका मुख्य हल तथा व्यापक हल दोनों ज्ञात करना है। तो मुख्य हल ज्ञात करना है तो मुख्य हल मतलब x का जो मान है वो 0 से 2π के मध्य ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम tan x इक्वल टू रूट थ्री का मुख्य हल ज्ञात करते हैं। तो tan x इक्वल टू रूट थ्री है तो अब आप वह कोण खोजिए जिस कोण के tan का मान रूट थ्री होता है। तो tan 60 डिग्री अर्थात tan पाई बाई थ्री, tan पाई बाई थ्री, तो इसलिए x इक्वल टू पाई बाई थ्री, एक मुख्य हल ये हो गया। अब और दूसरा कोण खोजिए जिस कोण के tan का मान रूट थ्री होता है और 0 से 2π के मध्य स्थित हो। अब ये tan पाई बाई थ्री है, tan 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री। अब 0 से 360 अंश के बीच दूसरा अन्य कोण खोजिए जिस कोण के tan का मान रूट थ्री होता है, tan 60। अब आप तीसरे चतुर्थांश में आइए, tan पाई प्लस पाई अपान थ्री, tan पाई प्लस पाई अपान थ्री, चूँकि tan 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है इसलिए tan पाई प्लस पाई अपान थ्री का मान भी रूट थ्री होगा। या 4π/3। तो इस तरह से इसका जब व्यापक मुख्य हल ज्ञात करेंगे तो x इक्वल टू पाई बाई थ्री और x इक्वल टू 4π/3, यही इसके दो मुख्य हल होंगे। या और कोण खोजिए 0 से 2π के मान, जिस कोण के tan का मान रूट थ्री होता है, क्या इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कोण है? तो इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कोण नहीं है जिस कोण के tan का मान रूट थ्री होता है 0 से 2π के मध्य। तो इस तरह से इस त्रिकोणमितीय समीकरण tan x इक्वल टू रूट थ्री का जो मुख्य हल होगा x इक्वल टू पाई बाई थ्री और x इक्वल टू 4π/3 होगा। अब इसके बाद आइए इसका हम व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो व्यापक हल के लिए व्यापक हल tan x इक्वल टू रूट थ्री दिया है तो इसलिए tan x इक्वल टू tan पाई बाई थ्री, यहाँ न्यूनतम कोण लीजिए, तो इसलिए x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई थ्री, चूँकि tan थीटा बराबर tan एल्फा का व्यापक हल थीटा इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर tan एल्फा का व्यापक हल थीटा इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा होता है इसलिए tan x इक्वल टू tan पाई बाई थ्री का जो व्यापक हल होगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई थ्री, यही इसका व्यापक हल है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है sec x बराबर 2 दिया है, दूसरा
देखिए क्वेश्चन नंबर टू, sec x इक्वल टू टू, यह एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। अब इसका मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात करना है। तो मुख्य हल मतलब x का वह मान जो कि 0 से 2 पाई के मध्य स्थित हो। तो इसको आप पहले cos में चेंज कर लीजिए, इसलिए 1 अपान cos x इक्वल टू टू होगा, इसलिए cos x इक्वल टू 1 अपान टू, इसलिए cos x इक्वल टू cos पाई बाई थ्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान टू, तो cos x इक्वल टू cos पाई बाई थ्री, इसलिए x इक्वल टू पाई बाई थ्री, ये इसका मुख्य हल है। अब और दूसरा कोण खोजिए जिस कोण के cos का मान 1 अपान टू होता हो और 0 से 2 पाई के मध्य स्थित हो। क्या cos 60 के अतिरिक्त भी और कोई दूसरा कोण है जिस कोण के cos का मान 1 अपान टू होता है, उसके विषय में सोचिए। तो अब आप आइए चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में cos पाई माइनस पाई अपान थ्री, cos पाई अपान थ्री को लिखा जा सकता है या cos पाई माइनस पाई अपान थ्री, cos टू पाई माइनस पाई अपान थ्री, cos टू पाई माइनस पाई अपान थ्री, cos 360 अंश माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो cos पाई बाई थ्री का जो मान होगा वही cos 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री का मान भी होता है, क्योंकि cos 360 अंश माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। अब इसको आप सरल करेंगे तो ये आपका आएगा 5 पाई बाई थ्री, 5 पाई बाई थ्री। अब ये जो 5 पाई बाई थ्री है ये 0 से 2 पाई के मध्य है। अतः इस त्रिकोणमितीय समीकरण का जब मुख्य हल हम ज्ञात करेंगे तो हल करने पर x के दो मान आएंगे, x इक्वल टू पाई बाई थ्री और x इक्वल टू 5 पाई बाई थ्री, यही इस त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल है। अब इन दोनों कोणों के अतिरिक्त और कोई तीसरा कोण 0 से 2 पाई के मध्य स्थित नहीं है जिस कोण के cos का मान 1 अपान 2 होता हो, तो यही इसका मुख्य हल है। अब इसके पश्चात आइए व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो sec x इक्वल टू 2 दिया है तो इसको cos में चेंज करके और इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे। इसलिए 1 अपान cos x इक्वल टू 1 अपान 2 इक्वल टू cos x, इसलिए cos x इक्वल टू 1 अपान 2, तो cos x इक्वल टू cos पाई बाई थ्री। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा, क्योंकि cos थीटा बराबर cos अल्फा का व्यापक हल, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। cos थीटा बराबर cos अल्फा का जो व्यापक हल का फार्मूला है वो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, इसलिए cos x इक्वल टू cos पाई बाई थ्री का जो व्यापक हल होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, यही इसका व्यापक हल है। अब इसके बाद आगे अगले क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हम आपको अगले दिन बताएं, नेक्स्ट डे।